हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि दुनिया में 7 अजूबे हैं और उन 7 अजीबों में शामिल ग्रेट गीजा पिरामिड सबसे ऊपर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका सदियों पुराना इतिहास और बनावट आज भी लोगों को हैरान कर देती है। दोस्तों, ये जो मिस्र का पिरामिड है वह उस समय बनाया गया था जब मिस्र दुनिया की सबसे अमीर और शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक था। यह पिरामिड जो है वह गीजा के महान पिरामिड इतिहास में सबसे शानदार मानव निर्मित रचना में से एक है। दोस्तों, मिस्र के पिरामिड का निर्माण तत्कालीन राजाओं के शवों को दफनाने के लिए किया जाता था। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि भारत की जो सभ्यता है बहुत ही पुरानी है, उसी तरह दोस्तों मिस्र की सभ्यता भी बहुत पुरानी है। वैसे तो मिस्र में कई पिरामिड है और कहिरा के उपनगर में गीजा के 3 पिरामिड है, लेकिन सिर्फ गीजा का ग्रेट पिरामिड ही प्राचीन विश्व के 7 अजीबों की सूची में है। दोस्तों, दुनिया के 7 प्राचीन आश्चर्यों में शेष यही एक ऐसा स्मारक है जो सबसे पुराना है। दोस्तों, 3800 सालों से यह पिरामिड दुनिया की सबसे ऊंची बनावट है जिसे कोई इमारत पीछे नहीं छोड़ सकी है। दोस्तों, ग्रेट पिरामिड में पत्थरों का प्रयोग इस तरह से किया गया है कि इसके अंदर का तापमान जो है वह हमेशा स्थिर और पृथ्वी के औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर रहता है। दोस्तों, पिरामिड के नींव के चारों कोनों के पत्थरों में बॉल और सॉकेट बनाए गए हैं ताकि ऊष्मा से होने वाले प्रसार और भूकंप से सुरक्षित रहे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ग्रेट पिरामिड को गणित की जन्म कुंडली भी कहा जाता है, जिससे भविष्य की गणना भी की जा सकती है। कुछ लोग तो पिरामिड में स्थित जादुई असर की बात भी करते हैं, जो मानव स्वास्थ्य पर शुभ प्रभाव डालता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार इन पिरामिड को बनाया तो बनाया किसने। दोस्तों, गीजा के पिरामिड सबसे पुराने और सबसे बड़ा महान पिरामिड के रूप में जानते हैं। प्राचीन दुनिया के प्रसिद्ध 7 चमत्कारों में से एक जीवित संरचना यह है। यह खुफू जेम्स ग्रीक में सनफेरू के उत्तराधिकारी और 4th राजवंश के 8 राजाओं के लिए बनाया गया था। दोस्तों, अब हम बात करेंगे पिरामिड की आकृति या बनावट के बारे में। पिरामिड का फर्श चकोर होता है, लेकिन ऊपरी भाग त्रिकोण या नोकदार होती है। इसकी जो ऊंचाई होती है वह लगभग 400 से 500 फीट होती है और इनकी दीवारें जो होती है वह ढालू होती है। दोस्तों, जितने भी पिरामिड हैं, वे सारे पिरामिड नील नदी के पश्चिमी तट पर बनाए गए हैं। दोस्तों, पिरामिड को बनाने में 1,00,000 मजदूर लगे थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि गीजा के पिरामिड को बनाने में 23,00,000 पत्थर के टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया था, जिनका वजन जो था वह 2 से 30 टन और कुछ का वजन तो 45,000 किलो था। दोस्तों, पिरामिड को बनाने के लिए औसतन 200 सालों और गीजा के ग्रेट पिरामिड को बनाने में 85 साल लगे थे। इसका मतलब यह है कि एक समय पर सिर्फ एक नहीं बल्कि कई पिरामिड बनाए जाते थे। तो आप सोच सकते हैं कि सबसे बड़ा पिरामिड गीजा के पिरामिड को बनाने में कितना टन पत्थर का यूज हुआ। इस बात का सही अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन गीजा के पिरामिड को बनाने में लगभग 5.5 अरब किलो यानी 60,00,000 टन सामग्री लगी थी, जो इंग्लैंड की सभी चर्च और गिरजाघरों को बनाने के बराबर है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कीजिएगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब